हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन बूस्टर पे। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 उसके जो इंडेक्स क्वेश्चन है उनके आंसर दे रही हूँ। तो हमारा जो इंडेक्स क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन के आंसर दे चुकी हूँ। जो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल। जो डाइवर होता है वो जब स्विमिंग पूल में जाता है तो वो क्या करता है, पानी को कट कर देता है। आपने भी कभी स्विमिंग की होगी तो हम लोग, या आपने देखा हो स्विमिंग करते किस तरह से हम पानी के अंदर तैर सकते हैं। क्या आप दीवार के अंदर इस तरह जा सकते हो? क्या आप अपने घर की बेड के अंदर इस तरह जा सकते हो? आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे सॉलिड मटेरियल है जिसके अंदर हम जाके नहीं कुछ भी अपना हाथ नहीं चला सकते, बट पानी के अंदर आप अपना बकेट में पानी लो या अपने मग में पानी लो, उसके अंदर आप अपने हैंड को वेव करो तो आराम से आपका हाथ घूम जाएगा, आप आराम से पानी के अंदर मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देन विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। मैंने पूरे चैप्टर में आपको बताया होगा मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, मैटर हैज अ 3 प्रॉपर्टीज। मैटर हैज अ कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी होती है, मैटर हैज कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज अ स्पेस इन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में स्पेस होती है। यही कारण है कि जो डाइवर है वो पानी के अंदर तैर सकता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो हमारा जो आंसर है, आंसर क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट, कौन सी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर has space between, particles of matter have space between them। ये property जो है इसके कारण एक diver जो है वो पानी के अंदर तैर सकता है। index question में हमें एक और question दिया हुआ है, that question is that what are the 3 properties। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 3 properties of matter। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को क्या प्रॉपर्टीज होती है। अभी मैंने आपको बताया पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है बिटवीन देम। तो ये अच्छे से बना लेते हैं बिटवीन देम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। एंड व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज जो कि मैटर के पार्टिकल्स शो करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर आंसर्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।